उत्तर प्रदेश हो या देश विदेश, लाइफ स्टाइल हो या मनोरंजन जगत, हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारे मोबाइल ऐप अलाइव 24 न्यूज को। हरियाणा ने सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने का आदेश वापस लिया। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, दिल्ली मेट्रो में टोकन जारी नहीं होंगे, केवल स्मार्ट कार्ड होंगे इस्तेमाल। सर्वाधिक लाइक किया गया ट्वीट बना बोसमैन के अकाउंट से उनके निधन की खबर देने वाला ट्वीट। लता मंगेशकर की इमारत को कोविड-19 के कारण एहतियात के तौर पर किया गया सील। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी को नेतृत्व संभालने से रोका गया तो कांग्रेस का अंत होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम भारत पाकिस्तान की कठपुतली नहीं, केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति जवाबदेह। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, भारतीय नस्ल के कुत्ते पालने के बारे में सोचे लोग, सुझाई नस्लें। मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी बोले, आत्मनिर्भर भारत में टॉय इंडस्ट्री को बड़ी भूमिका निभानी है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया तंज, कहा छात्र परीक्षा पे चर्चा चाहते थे, पीएम ने खिलौनों पे चर्चा कर ली। रिया चक्रवर्ती से आज लगातार तीसरे दिन सीबीआई ने की पूछताछ, कल ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गौरव आर्या से सवाल जवाब करेगा। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ से 9 जिलों में तबाही, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया हवाई सर्वेक्षण। पटना में बिहार स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर ANM नर्सिंग की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में फिर सीज फायर वायोलेशन, पाकिस्तान की तरफ से राजौरी सेक्टर में हुई गोलीबारी में नायब सूबेदार राजविंदर सिंह शहीद। बरेली में कोविड अस्पताल से भागकर कोरोना संक्रमित सपा नेता ने पुल से कूद कर दी जान, 5 दिन पहले रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने वाराणसी में कहा, प्रकृति से पोषण पाने के लिए हमें उसे भी पोषित करना होगा। ग्रेटर नोएडा में रेव पार्टी कर रहे 4 युवतियों समेत 11 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, 290 बियर और शराब की बोतलें बरामद। यूपी में कोरोना के एक्टिव मामलों की कुल संख्या 54,666 है, वहीं 1,67,543 पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 74.25 है। अब तक संक्रमित लोगों में से 3,423 लोगों की मौत हो चुकी है। रामपुर के थाना टांडा में एक ऑटो लिफ्टर गैंग पुलिस की गिरफ्त में आया, जिसमें पुलिस ने गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 20 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और 7 कारतूस बरामद किए। अभियुक्तों के पास से 2 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए। थाना टांडा पुलिस और हमारी SOG टीम जो है, इन दोनों के संयुक्त प्रयास रामपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। वाहन चोरों का एक गैंग हमारी गिरफ्त में आया, जिसमें 6 वाहन चोर पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से 20 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 7 कारतूस और 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए। बरामद शुदा जो 20 मोटरसाइकिलें हैं, ये कहाँ से चोरी की गई हैं, इनके नंबरों के साथ कोई टेम्परिंग की गई है, इनके बारे में कई मुकदमे लिखे हैं, इन सब की जानकारी की जा रही है। फिलहाल बरामदगी के आधार पर इन अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे विवेचना से इन सारी मोटरसाइकिलों को अभियोगों से जोड़ा जाएगा और इनके विरुद्ध। 10वीं मुहर्रम और वीकेंड स्पेशल लॉकडाउन के मद्देनजर राजधानी लखनऊ समेत पूरे सूबे में सुरक्षा व्यवस्था काफी मुस्तैद की गई। मुहर्रम पर ताजिया का जुलूस निकालने पर पाबंदी के बाद से हर जगह पुलिस की निगाह काफी पैनी रही। लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोरा ने पुलिस अधिकारियों के साथ फोर्स की ब्रीफिंग कर रूट मार्च किया और हाईकोर्ट के निर्देशों और लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया। लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे के नेतृत्व में मुहर्रम और लॉकडाउन के मद्देनजर शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए लखनऊ पुलिस ने फ्लैग मार्च कर ड्रोन से रखी नजर। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।